सुपर फूड में शामिल केले को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। यह स्वाद के लिहाज से भी लोगों को काफी पसंद आता है। पीला केला जहां हम फल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं हरे यानी कच्चे केले को पकाकर खाना पसंद किया जाता है। हालांकि दोनों का ही स्वाद और टेक्सचर एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन दोनों में ही स्टार्च काफी मात्रा में पाया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जब केला पकने लगते हैं तो इसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट कॉम्पोजिशन में बदलते हैं। कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च और डायरी फाइबर इतना ज्यादा होता है कि छोटी आंत के लिए इसे पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता है इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में तब्दील हो जाता है। हरे और पीले केले में पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन सी सहित कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इन दोनों ही केले में कार्ब्स काफी मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा बहुत कम होते हैं। हरे केले में फाइबर और स्टार्च काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में हरे केले का सेवन पेट को लंबे वक्त तक भरा रहने की क्षमता रखता है और इससे भूख भी कम लगती है। ऐसे में हरा केला खाने से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। वहीं हरे केले में प्रीबायोटिक इफेक्ट भी होता है, जो आपकी आंत के बैक्टीरिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये शॉर्ट चेन एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है, जो बेहतर डाइजेशन के लिए जरूरी है। वहीं हरे केले में मौजूद पेक्टिन और रेजिस्टेंट स्टार्च भोजन के बाद शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस तरह आप डायबिटीज टाइप 2 या ब्लड शुगर की परेशानी से भी बचे रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरा केला किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है? तो इसका जवाब है कि कुछ मामलों में ये पाया गया है कि इसे खाने से ब्लोटिंग, गैस, कब्ज की परेशानी होती है। इस तरह ये सेहत के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन कुछ मामलों में डाइजेशन को प्रभावित भी करता है। वहीं हरे केले में कई अतिरिक्त पोषक तत्व हैं जो पीले केले में नहीं होते। हालांकि ये पका केले जितना मीठा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे केला पकता है प्रतिरोधी स्टार्च और पेक्टिन धीरे धीरे कम होते हैं। इसलिए अगर आप दोनों का लाभ चाहते हैं तो अधपका केला खा सकते हैं, जो हल्के हरे और हल्के पीले हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।